भाई का बड़ा अच्छा सवाल है और ज़कात से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं इसको रमज़ान रोज़ों के मसाइल में पकड़ रहा हूँ। भाई का बड़ा अच्छा सवाल है, कहते हैं कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट जो होते हैं उनको जो पीएफ जो मिलता है प्रोविडेंट फंड, तो क्या उसमें भी ज़कात है और ज़कात कब है, मिलने से पहले या मिलने के बाद? देखिए पीएफ जो होता है प्रोविडेंट फंड, इसका एक उसूल है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों 50-50% शेयर करते हैं। मतलब जब तक एम्प्लॉई 10 साल 20 साल जब तक काम करता है तब तक उसकी सैलरी में से, उसके वेजिस में से, उसकी तनख्वाह में से कुछ पैसे पीएफ के तौर पर कटते रहते हैं। जितना कटता है उतना उसका एम्प्लॉयर, उसका जो बॉस होता है वो भी डालता है। लेकिन इस पर ज़कात तब होंगी जब इस इन पैसों का वो मालिक होगा। जब तक काम कर रहे हैं वो सिर्फ जमा हो रहे हैं, जमा जो हो रहा है उसका मालिक नहीं है। जिस दिन वो नौकरी छोड़ेगा या जॉब छोड़ेगा या किसी वजह से उसको अपना पीएफ का पैसा निकालना पड़ रहा है, तो जिस दिन वो मालिक बनेगा वो पैसे और बाकी दूसरी इनकम, दूसरे कैश, अपने घरेलू दूसरे सब मिला के अगर वो ज़कात के निसाब के ऊपर चला गया तो उस वक्त ज़कात वाजिब होगी, उससे पहले नहीं। यानी कि पीएफ का पैसा आने के बाद भी 52.5 तोले चांदी के बराबर नहीं पहुँच रहा है तो उस पीएफ के पैसे पर कोई ज़कात नहीं है। पीएफ का पैसा या दूसरा घरेलू सारा पैसा मिलाने के बाद 52.5 तोले चांदी के बराबर या उससे ज़्यादा होता है तो उस पर ज़कात वाजिब हो।